तो हेलो दोस्तों, देखिए आज आपके लिए एक और बहुत ही हैवी क्वालिटी का एम्पलीफायर लेके आए हैं, जो कि MX-1200 हमारा पुराना मॉडल होता था पहले, उसको हमने डिज़ाइन करके नया एकदम ऑसम लुक में लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आगे से पूरा ही इसका नक्शा बदल दिया है, जो कि अब दिखने में और भी ज़्यादा प्यारा हो गया। जैसे इसकी साउंड थी एकदम जेन्युइन और ओरिजिनल, हैवी साउंड हैवी पंच था, उसी तरीके से हैवी मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उसी तरीके से हैवी मटेरियल आपके लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि पूरा ही ओरिजिनल होने वाला है, पहले की तरह एकदम टॉप क्वालिटी का ब्रांड गुरु का ओरिजिनल एम्पलीफायर MX-1200 एक साल की वारंटी के साथ। आप लोगों को इसकी आज बेस टेस्ट कराता हूँ पूरे एम्पलीफायर पे, 1200 वाट के एम्पलीफायर पे इसकी बेस टेस्ट कराता हूँ और दिखाता हूँ आपको इसके जलवे की क्या जलवे हैं इसके। ठीक है, अंदर से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्वालिटी क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं पूरा। मैं अभी आपको इसके अंदर से भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो हमने माल लगा रखा है वो क्या हिसाब का लगा रखा है, और वो क्वालिटी आपको कहीं और मिलेगी या नहीं मिल पाएगी इस रेट पे। पहली बात तो इस रेट पे आपको ये क्वालिटी कहीं नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो क्वालिटी है सिर्फ जरा ब्रांड गुरु ही फिनिशिंग दे सकता है, इसी जैसी आपको इस रेट पे मिलने वाली है। ठीक है जी, पहले तो आप फिटिंग देख सकते हो, द ब्रांड गुरु की फिटिंग रहने वाली है पूरी। आप रिले देख सकते हो, सबसे पहले जो आपको चमकेगी रिले चमकेगी, जो कि लियोन कंपनी की लगाई गई है, जिससे कि हमारी द ब्रांड गुरु कंपनी की पहचान होती है ओरिजिनल एम्पलीफायर की, कि ओरिजिनल एम्पलीफायर आपको मिलने वाला है। और आप ट्रांसफार्मर, आउटपुट ट्रांसफार्मर देख सकते हो, आपका पूरा कवर के साथ मिलने वाला है, कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना के लगा दिया, पूरा कंपनी वाला काम आपको वो करके देने वाले हैं। और आप मेन इसकी जो मोसफेट आउटपुट रहने वाला है वो भी आप देख सकते हो, उसका पीसीबी भी आप देख सकते हो कितना ही हैवी क्वालिटी का 70 माइक्रोन का लगा रखा है, जिससे कि इसमें आउटपुट में जो है 70-80-90 वोल्ट अगर ये नाचे तो कोई भी दिक्कत ना आए। आप इसके बाद ये देख सकते हो, अपना ट्रांजिस्टर देख सकते हो, 2SC5200 लगाया गया है, देख सकते हो दोनों साइड से 2SC5200, 2SC1943 लगाया गया है ओरिजिनल बिल्कुल। देख लीजिए, थोड़ा और पास से दिखा देता हूँ, अब देख लीजिए, देख लीजिए 2SC5200 और 2SC1943 लगाया गया है, जो कि ओरिजिनल रहने वाला है, तोशीबा का ओरिजिनल एम्पलीफायर आपको मिलने वाला है। और इसमें जो हमने चेंजेस करे हैं, मेन ट्रांसफार्मर में हमने चेंज कर दिया है, इसके हमने एम्पियर और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी वायर कितनी ज़्यादा हैवी कर दी है। ये वायर क्वालिटी आपको कोई नहीं दे पाएगा, ये जो पूरा कॉपर का ट्रांसफार्मर है, अंदर से बाहर तक पूरा दोनों कॉपर के ट्रांसफार्मर है। इसमें जो है मिलन वायर यूज़ करी गई है, जो कि बहुत ही हैवी क्वालिटी की मिलन वायर यूज़ करी गई है। आप इसका खाली इस ट्रांसफार्मर का वेट ही हमारा 12 किलो के आसपास का बैठता है, 10 से 12 किलो के बीच में इस ट्रांसफार्मर का वेट है। और वायर आप देख सकते हो किस तरीके से चमक रही है, प्योर कॉपर की आपको वारंटी इसी वजह से ही देते हैं, क्योंकि ये वायर ही दिख जाती है। और जो आपको दूसरी जगह वायर लगाई जाती है वो लगाई जाती है डी की वायर, ठीक है जी। हमारे यहाँ जो यूज़ होती है वो मिलन की ओरिजिनल वायर यूज़ होती है मिलन की, और देख सकते हो उसके ऊपर हमने कोटिंग भी करा रखी है, जिससे कि इसमें हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपको पीछे से पूरा सिस्टम मिलने वाला है, जो कि ओवरलोड वगैरह का होता है। फ़ैन आप देख सकते हो, हाई क्वालिटी का आपको फ़ैन मिलने वाला है। साथ में आपको 3 फ्यूज़ मिलने वाले हैं, एक फ्यूज़ तो आपको यहाँ मिलेगा जो मेन AC का होगा, उसके बाद 2 DC के फ्यूज़ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है जी। देख सकते हो 30-30 एम्पियर के आपको दोनों फ्यूज़ मिलने वाले हैं, वो भी ओरिजिनल कंपनी के ही मिलेंगे विद होल्डर के साथ, ठीक है जी। और पूरी फिटिंग आप देख सकते हो ओरिजिनल फिटिंग रहने वाली है, पूरी क्लियरिटी के साथ पूरा काम करा गया है। 2 ब्रिज लगाई गई है 3510 की, और इसके बाद 4 कैपेसिटर लगाए हैं। और लोग बात कहते हैं, भाई आपने 63 वोल्ट के कैपेसिटर कैसे लगा दिए 65 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में, तो भाई इसमें जो है हमने ब्रिज में लगा रखा है, तो आप देख सकते हो 63+63 126 वोल्ट का कैपेसिटर बनता है हमारा, 126+126- इस तरीके से ही हमने लगा रखा है। तो जो कन्फ्यूज़न है आपकी वो मैंने बता दी है, वो 126 वोल्ट का हमने इसमें सीरीज बना रखा है, और 2 डायोड लगा रखी है, जिससे कि आपको पूरी पंच मिले अच्छा तरीके से, पूरा 1200 वाट का आउटपुट मिले। आप इस पर 1800 वाट तक चला सकते हो, बैक में सब वायरिंग आपको मिलने वाली है, आगे का जो बेस ट्रेवल वर्किंग करनी है या नहीं करनी वो पूरा वायरिंग हम करके दे रहे हैं। आप ड्राइवर देख सकते हो, इसका ड्राइवर भी आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलने वाला है, ड्राइवर में हमने UTC लगा रखा है YW का, ओरिजिनल मॉसफेट होगा ड्राइवर मॉसफेट जो है। लोग बाग क्या करते हैं इसमें, आप देखोगे मार्केट में तो आपको हल्का लगा के दे देंगे, छोटा लगा के दे देंगे, तो उससे क्या होता है आवाज़ इसकी घट जाती है। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, 3-3 अलग अलग तरीके के हम बोर्ड आपको लगा के दे रहे हैं आगे, जिससे कि ओवर प्रोटेक्शन हीट प्रोटेक्शन सबका काम ये करता रहे, ठीक है जी। अब जो है आपको हम दिखा देते हैं इसका प्रोटेक्शन किस तरीके से काम करती है, जैसे फॉल्ट वगैरह आ जाता है, टेम्परेचर ओवरलोड ये सब किस तरीके से काम करती है, ठीक है जी। अभी मैं पहले इसको चला के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो इसका हीट प्रोटेक्शन है ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि सेट जो है हमारा बहुत ही कम हीट होता है। अगर आप ज़्यादा ओवरलोड कर करके इसको हीट भी कर दो तो ये बहुत जल्दी ट्रिप भी मार जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, ठीक है जी। अभी मैं आपको क्या है सेट ऑन करके दिखाता हूँ।
अभी तो देखिए मैं यहाँ पे बेस का ऑन कर रहा हूँ। इस टाइम मैंने पीछे से जो है 0.1 में वॉल्यूम दे रखी है। मैंने आपको बेस टेस्ट कराई है, अभी मैं आपको एक सिंपल गाना चला के दिखाता हूँ, नो कॉपीराइट में कोई भी अच्छा सा गाना आपको चला के दिखाता हूँ, इसकी वॉल्यूम पे स्पीड जो टेस्ट करा देता हूँ। रुकिए तो ये जो है इसकी साउंड टेस्टिंग मैंने आपको दिखा दी है। बाकी थर्मोस्टेट इसका हमने यहाँ लगा रखा है साइड में, जिससे कि जैसी हीटिंग होए ये नॉर्मली ओपन वाला है, और ये जो है हमारा जब हीट होएगा जब करंट छोड़ता है, अभी जो है नॉर्मली ये पास कर रहा है करंट, ठीक है जी। तो जब ये हीट होता है तब करंट छोड़ता है, ये वैसा वाला नहीं है कि यहाँ से दोनों तार चिपका दिए तो ये अपना प्रोटेक्शन मोड पर चला जाएगा। प्रोटेक्शन मोड पर जब जाएगा, जब ये हीट होएगा जब ये क्लोज हो जाएगा, अभी ये नॉर्मली ओपन पे है। आपको मैं बैक से दिखा देता हूँ, इसमें जो है हमने एक सर्किट ब्रेकर भी लगा रखा है 12 एम्पियर का, टेक्निक कंपनी का लगा रखा है, जो कि ओरिजिनल रहने वाला है। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बैक साइड से, बैक साइड से ओवरव्यू देख सकते हो इसका आप। इसमें जो है ये आपकी बास ट्रेबल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, मतलब आपको जैसे माइक मिक्सर से चलाना है तो आप इसको बास ट्रेबल को ऑफ करके सीधा वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, और आपको अगर मोबाइल लीड से चलाना है या फिर ब्लूटूथ वगैरह चलाना है तो आप इसको ऊपर करके अपना बेस ट्रेबल भी वॉल्यूम वगैरह इसको कंट्रोल कर सकते हो, जिससे कि क्या है आपकी आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है जाती है और इसमें ऊपर करने पे जो है बास ट्रेबल इनपुट उसको डबल कर देता है तो आवाज़ और ज़्यादा हो जाती है। दो आपको स्पीकर मिलने वाले हैं नीचे 2 ohm 4 ohm के, और सेम बनाना टर्मिनल में मिलने वाला है 2 ohm 4 ohm का। आप LT यूनिट चला सकते हो इससे, 10 से 12 LT यूनिट आराम से चला सकते हो, आपको बढ़िया 100 वोल्ट में LT यूनिट आपकी चलेगी। और ट्रांसफार्मर की 1 साल की आपको वारंटी दे ही रहे हैं हम, कोई भी दिक्कत आ जाती है आप इसको खोल के हमारे यहाँ भेज सकते हो, हम सीधा इसको आपको नया पीस भेज देंगे, ठीक है जी। आगे से आप लुक देख सकते हो, इसका रेट जो है आपको व्हाट्सएप पे हम बता दिया जाएगा, आप चाहो तो हमारे यहाँ पे आके भी ले सकते हो। क्या है यहाँ पे जो है वीडियो में साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं पता लग पाती तो कस्टमर को थोड़ी परेशानी रहती है साउंड क्वालिटी की, तो आप आइए आपके सामने यहाँ टेस्ट कराएंगे, अच्छी तरीके से टेस्ट करिए तब जाके लेके जाइए, ठीक है जी। एड्रेस हमारा बहुत क्लोज है कश्मीरी गेट से, कश्मीरी गेट से आप सीधा ऑटो ले सकते हो, लाल किला, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाल किला उतरते हैं तो लाल किला से सीधा आपको लाल गाड़ी मिल जाएगी, या बस भी आती है सीधा भजनपुरा बस स्टैंड पे उतारेगी। बस स्टैंड से हमारा थोड़ी सी ही दूर पे है, बस स्टैंड से आप कहीं से भी पूछ लीजिए कि थाने के पास जाना है, और थाने के पास आके आपको हमारी यहाँ पे ब्रांड गुरु की जो ऑफिस है वो आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके हमसे कोई भी एम्पलीफायर ले सकते हो, एम्पलीफायर में क्योंकि हमारी जैसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, मार्केट से अच्छी क्वालिटी मिलेगी हमारे यहाँ पे आपको। आप जैसे कि देख सकते हो मॉडल भी आपको नए से नए हमारे यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि हम जो है हर एम्पलीफायर को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप 4000 वाट वगैरह देख सकते हो, तो उसमें भी आप देख सकते हो सब में आपको क्रॉसओवर वगैरह हम लगा के देंगे आप, जबकि मार्केट में आपको ये क्रॉसओवर वगैरह कोई नहीं लगा के देगा, इस क्वालिटी का कोई नहीं बना के देगा, ये सिर्फ हमारे यहाँ ब्रांड ग्रुप पे मिलेगा। तो इसको लेने के लिए या फिर इसको लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो
व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कॉल हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उठा पाते हैं। आप मैसेज कर दीजिए, आपको कॉल बैक भी आ जाएगी हमारे यहाँ से। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही था। इसको लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे हमारे यहाँ पे डीएम करके ले सकते हो, ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी, 800 से 1000 रुपये कुरियर चार्ज लगेगा। और हमारे यहाँ पे आके लेना चाहो तो आप हमारे यहाँ आके ले सकते हो, एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो आप कॉल करके एड्रेस ले सकते हो। थैंक यू।